नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली से शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, 10th एंड 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया है तो उन्हें ऐसी कॉलेज में एडमिशन तो मिलेगा नहीं, क्या इसके पीछे का लॉजिक है आज वो बताऊंगा मैं आपको। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल करें। तो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे ना हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाएं। तो गाइस, जो मैंने पिछली बार 12th क्लास में एग्जाम दिया था तो हमारे 3 एग्जाम हुए थे, 2 एग्जाम नहीं हुए थे। तो हमें क्या किया गया था, जो हमने 3 एग्जाम दिए हैं उसी के हिसाब से जैसे जैसे मतलब हमने बच्चे ने लिखा था पेपर में, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उन्हें नंबर दिया गया था अगले पेपर में। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों का तो एक भी पेपर नहीं हुआ है ना। हंस लो यार, मुझे पता है हंस रहे होंगे, दांत फाड़ रहे होंगे, वह कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, हो गया। और कुछ लोगों को मतलब मन में आ रहा होगा नहीं इस बार 90% ला सकते हैं, मुझे सब पता है, आप पढ़ने वाले हो, आप भी पढ़ने वाले हो। तो गाइस अब टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा सा मजाक किया, बुरा मत मानिएगा। तो अब आपका जो एक भी पेपर नहीं हुआ है तो गाइस आपको, आप ये मत सोचो कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आपको जो है आपके प्री बोर्ड या एस ए वन या प्री बोर्ड, इसके मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से आपको नंबर दिया जाएगा। अब पूछो क्यों आपका एक भी पेपर नहीं हो गया है, तो सीबीएसई वाले, जो सीबीएसई के हैं मैं उनको बता रहा हूँ, वहाँ की यूपी हरियाणा का मुझे नहीं पता, ओनली मैं सीबीएसई का बता रहा हूँ, यूपी हरियाणा का पता चलेगा तो मैं बताऊँगा। तो भाई आपको सीधा ये समझो, आपका एस ए वन का जो पेपर हुआ था यह तो उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलेगा, ये जो आपने प्री बोर्ड दिया था उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अब जिसकी प्री बोर्ड में कम नंबर आए थे भाई, वो थोड़ा अपना, उसका तो कुछ कहना अलग ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता, प्री बोर्ड में सबके अच्छे नंबर आते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो भी 10% या 20% आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड में उतनी अच्छी तैयारी नहीं होती, फिर आपको दिमाग में आता नहीं भाई 12th का पेपर इस बार 90% लाएंगे, तो फिर आप और ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना, और या नहीं पढ़ते, पढ़ते हो ठीक है, फिर आप और ज़्यादा पढ़ते हो, फिर आपके और 12th में जो फाइनल पेपर होता है उसमें अच्छे नंबर आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से नंबर मिलेगा, या तो एस ए वन के हिसाब से मिलेगा, या तो फिर आपको प्री बोर्ड जो हुआ था उसके हिसाब से हुआ था। और जैसे ही कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने अपने ओपिनियंस बताए हैं क्योंकि पिछली बार हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।